बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी और इक्विटी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेट की। एसेट कहते हैं उन रिसोर्सेज को जिन जो कि किसी पास्ट इवेंट की वजह से वजूद में आए होते हैं, वो इकोनॉमिक बेनिफिट रखते हैं और बिजनेस उसको कंट्रोल कर रहा था। जैसे मिसाल लें मशीन की, मशीन हमने परचेज की होती है और ये पास्ट इवेंट की वजह से वजूद में आई होती है। इसके साथ साथ मशीन में जो है इकोनॉमिक बेनिफिट होता है और बिजनेस जो है इसको कंट्रोल कर रहा होता है, तो इसलिए मशीन जो है वो हमारा एसेट है। इसी तरह कैश जो है वो भी एसेट होता है, लैंड भी एसेट होता है, कंपनी की बिल्डिंग भी एसेट होता है। ये सारी की सारी चीजें, इनमें ये तीनों बातें कंप्लीट हो रही होती हैं। रिसोर्स वो पास्ट इवेंट से वजूद में आया होता है, उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, बिजनेस कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए ये सारी की सारी चीजें जो है वो एसेट होंगी। सेकेंड है जी हमारे पास एक्सपेंस। एक्सपेंस तमाम के तमाम अखराज होते हैं जो किसी भी बिजनेस के प्रोसेस को चलाने के लिए खर्च किए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है और लॉसेस आते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो हमने चीजें बेची हैं उन चीजों की कीमत, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट में आती है। सैलरीज आती हैं, रेंट आता है, ऐसी और भी काफी सारी चीजें हैं, यहाँ पर ये जस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा लॉसेस क्या है, देखिये अगर आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वहां पर आग लग गई है और चीजें डैमेज हो गई है, जो कि आपका एसेट था वो डैमेज हो गया, तो डैमेज होने से जो आपको नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है, उसको भी हम एक्सपेंस में काउंट करेंगे। तो तमाम के तमाम ऑपरेटिंग कॉस्ट और लॉसेस, ये सारी की सारी चीजें एक्सपेंस में कंसीडर की जाती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी लायबिलिटी की। लायबिलिटी क्या है, ये किसी भी बिजनेस की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और ये कैसे वजूद में आई है जी, ये पास्ट इवेंट की वजह से वजूद में आई है। इससे होगा क्या, इन रिजल्ट ऑफ विच देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, इसके नतीजे में आपके किसी इकोनॉमिक बेनिफिट का रिसोर्स का आउटफ्लो होगा। एग्जाम्पल है, आपने क्या किया, आपने कंपनी में काम किया और आपने इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया और पूरे महीने में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, महीने के एंड पे आपने उसका बिल पे करना था लेकिन आपने बिल पे नहीं किया, तो अब आप पे एक जिम्मेदारी आ गई है। ऑब्लिगेशन कहते हैं जिम्मेदारी को, आप पे एक ऑब्लिगेशन आ गई है, जिम्मेदारी आ गई है। अगर फर्ज करेंगे वो 1 लाख रुपया बिल है, आपने वो बिल यूटिलिटी का पे करना है, आप पे ये जिम्मेदारी है, तो 1 लाख बिल जो है वो आपकी लायबिलिटी होगी। और चूंकि ये बिल जो है पास्ट इवेंट की वजह से वजूद में आया, आपने एक पूरा महीना जो है कंपनी को चलाया है, 1 लाख रुपए का बिल बन गया, आप पे इसकी जिम्मेदारी है, तो ये आपकी लायबिलिटी होगी। अब इससे होगा क्या, फ्यूचर में आपका इकोनॉमिक बेनिफिट वाला रिसोर्स क्या है, कैश, आप कैश का आउटफ्लो होगा, तो इसके नतीजे में चूंकि हमारे कैश का आउटफ्लो होगा, ये हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी को हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इनकम की। इनकम में रेवेन्यू और गेन, ये दो चीजें आती हैं। अब हम समझ लेते हैं कि रेवेन्यू क्या है और गेन क्या है। रेवेन्यू कहते हैं ग्रॉस इनफ्लो फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो प्रिंसिपल एक्टिविटी होती है। देखिए अगर कोई कंपनी है वो कार्स मैन्युफैक्चर कर रही है और उसको सेल करती है, तो कार बेचने से जो इनफ्लो होगा कैश का, वो उसका रेवेन्यू होगा। अगर कोई कंपनी है वो फूड प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो फूड प्रोडक्ट जो है इसको सेल करने से जो कैश का इनफ्लो होगा वो उसका रेवेन्यू होगा। गेन क्या होता है जी, गेन कोई ऐसी चीज जो कि ओल्ड स्क्रैप हो कंपनी का, अगर उसको कंपनी सेल करे और जो उसकी वैल्यू हो उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर ले। फॉर एग्जांपल कंपनी में एक एसी पड़ा हुआ है जी, वो खराब एसी है और कंपनी के अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली वो 10,000 रुपए में सेल होना चाहिए लेकिन वो 20,000 का सेल हो जाता है, तो जो अबव अर्निंग है, जो उससे अबव पैसे जो है कंपनी को मिल गए हैं, वो कंपनी का गेन है। तो गेन और रेवेन्यू, ये दोनों की दोनों चीजें इनकम में हम कंसीडर करते हैं। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी की अगर डेफिनेशन देखें तो ये रेजुअल इंटरेस्ट है आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटी फ्रॉम द एसेट। इसको इक्वेशन से हम समझते हैं थोड़ा सा आसान करके। देखिए अगर आपके पास 1 करोड़ के एसेट्स हैं और आप पे जिम्मेदारी जो है, लायबिलिटी जो है, जो आपने लोगों के पैसे देने हैं, वो 30 लाख के हैं, तो 1 करोड़ के एसेट में से हम 30 लाख को निकाल दें, बाकी जो वैल्यू बच जाएगी 70 लाख, वो आपकी इक्विटी होगी। तो इसलिए हम कहते हैं इक्विटी जो है वो रेजुअल इंटरेस्ट है आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटी फ्रॉम द एसेट। तो अभी हमने पांचों के पांचों एलिमेंट्स जो है अकाउंटिंग के उनका डिस्कस किया। ऐसे ही अगर आप मजीद वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं या फिर आप जो अकाउंटिंग से रिलेटेड नोट्स हैं वो आप लेना चाहते हैं, आप अकाउंटिंग की तमाम के तमाम जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो अभी हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज करें, आपको तमाम की तमाम चीजें जो है वो सेंड कर दी जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।